हुणे कह के हटी है कि मोदी जी ने नारी शक्ति नूं बहुत शक्ति दित्ती, बिल पास कीता, होर कीता। मेरे नाल चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी खड़े ने, जो साडे पंजाब दे विच वुमेन कमीशन दे चेयरपर्सन सी, बहुत वधिया काम कीता। ये 2 साल पहले ज्वाइन कर गए सी। देखो जो हालात आज के मौजूद हैं कांग्रेस में, जो उनकी हाई कमांड है, वो मुमकिन नहीं कि हम उनके साथ काम कर सकें। क्या आप पटियाला से दोबारा से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी या फिर अपनी बेटी को आप चुनाव लड़वाएंगी? जो बीजेपी हाई कमांड तय करेगा हम वो करेंगे। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पटियाला से सांसद परनीत कौर आज बीजेपी में शामिल हो गई, हमारे साथ खुद मौजूद है। मैडम पहले तो आपको बधाई हो। धन्यवाद। मैम क्या वजह रही, कांग्रेस क्यों छोड़ना पड़ा आपको और बीजेपी में शामिल क्यों होना पड़ा? मैं हुणे हुणे कह के हटी हैं कि मोदी जी ने नारी शक्ति नूं बहुत शक्ति दित्ती, बिल पास कीता, होर कीता। मेरे नाल चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी खड़े ने, जो साडे पंजाब दे विच वुमेन कमीशन दे चेयरपर्सन सी, बहुत वधिया काम कीता। ये 2 साल पहले ज्वाइन कर गए सी। आप कांग्रेस में इतना लंबा समय रहे, कोई उनसे नाराजगी थी, क्या वजह रही कांग्रेस छोड़ने की? देखो जो हालात आज के मौजूद हैं कांग्रेस में, जो उनकी हाई कमांड है, वो मुमकिन नहीं कि हम उनके साथ काम कर सकें। क्या आप पटियाला से दोबारा से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी या फिर अपनी बेटी को आप चुनाव लड़वाएंगी? जो बीजेपी हाई कमांड तय करेगा हम वो करेंगे। अगर बीजेपी के साथ गठबंधन होता है, क्या इससे फायदा मिलेगा बीजेपी के? अगर अकाली दल के साथ गठबंधन होता है बीजेपी का, तो बहुत फायदा मिलेगा। जब गठबंधन होता है, एक से एक दो ही बनते हैं। तो आप मानते हैं कि गठबंधन की जो आखिरी स्टेज है वो चल रही है, जल्दी ही गठबंधन होता हुआ अकाली दल से दिखाई देगा? ये आप बीजेपी के नेताओं से, हाईकमांड से, अकाली दल के हाईकमांड से ये सवाल पूछो, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो बिल्कुल, ये थे परनीत कौर, जिन्होंने खास बातचीत की दिल्ली से। कमल कुमार कंसल, नो द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।